हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस एक कटोरी दूध और मेहमान बहुत सारे आ गए, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम सबको मीठा खिला सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपको लेना है यहाँ पे 4 ब्रेड और आपको इसी के कॉर्नर को कट कर हटा देना है और कुछ इस तरीके का शेप दे देना है आपको, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और सारे ब्रेड को आपको सेम शेप दे देना है। उसके बाद आपको लेना है एक पैन और पैन में आपको डालना है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो बटर डालने के बाद अच्छी तरह से बटर को आप मिला लो। उसके बाद जो ब्रेड हमने कट किया था वो ब्रेड को हम इसमें डालकर अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे, वो भी दोनों साइड से। तो एक साइड पे आपने तो बटर लगा लिया था, उसके बाद दूसरी साइड पे भी आपको बटर लगा कर इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। ये एक बार आप ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद सारे ब्रेड हो गए हैं यहाँ पे क्रिस्पी। उसके बाद आपको लेना है दूध, जो एक कटोरी बस दूध है, उस दूध में से आपको 2 चम्मच दूध बचा लेना है। और उसके बाद इसी दूध में आपको डालना है 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे अरारोट का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो आप, कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे, दूध बॉईल हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। मीठे के अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हो। उसके बाद जो हमने घोल रेडी किया था वो घोल हम डालकर इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट पका लेंगे। जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे कोई सा भी एक बर्तन ले लो जो थोड़ा गड्ढा टाइप में हो। उसके बाद उसमें आप डाल दो ये दूध का मिक्सचर। उसके बाद इस पे ऊपर आप रख दो ये ब्रेड जो हमने क्रिस्पी किया था बटर के साथ। तो आपको ऐसे करके रखते जाना है सारे, और इसके ऊपर से फिर से हमें वो दूध डालना है जो हमने रेडी किया था। और इसे अच्छी तरह से दूध को आप डाल दो और फिर से ब्रेड बचा है वो फिर से आप ब्रेड इसके ऊपर रख दो और फिर से आप इसके ऊपर दूध भर भर कर डाल दो। तो इसमें हम गर्म गर्म दूध का ही यूज़ करेंगे, दूध को अभी हमको ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड सारा दूध सोख लेगा अच्छी तरह से, वो गर्म रहेगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो जो ब्रेड बचा था फिर से वो हम ऊपर से डाल देंगे और फिर से इसके ऊपर से हम वो दूध डाल देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का पाउडर डाल देंगे या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। और ऐसे ही हमारा शाही टुकड़ा बनकर रेडी हो गया। तो बस एक कटोरी दूध से आप बहुत सारे मेहमानों को खिला सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक करें।